गाइस, हमारा खाना आ चुका है। ये रहा पराठा और मेथी आलू की सब्जी, मजेदार। चलो ब्रो, खाते हैं फिर। चार बजे झूठी, पाँच बजे खुद उठी हो। हम लोग पाँच बजे उठे, मम्मी चार बजे उठ गई थी। मम्मी ने खाना पहले ही रेडी कर दिया था, तो चलो खाते हैं खाना सब। आप भी खा लीजिए गाइस। तो यहाँ पे रुकने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पे हम लोग बैठ के आराम से खाना पीना खाए, और यहाँ पे छोटा सा मंदिर भी है। बहुत ही सुंदर जगह है ये एरिया। अब बस पेट भी भर गया, अब चलो चलते हैं नीचे। तो चलो बस अब हमको जाना है नीचे, और नीचे चलते हैं। फटाक से सीढ़ी उतरना है वापस से, 850 सीढ़ी उतरनी है हमको वापस से। मज़ा आ गया, आज का सफ़र बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही मज़ेदार हुआ। मज़ा आ गया हमको तो आज की वीडियो में। आपको भी आया होगा देखने में भी, तो आया तो प्लीज़ फटाक से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। रनू, आपको मज़ा आया? बहुत। आप क्यों बोल रहे हो, मैं इतनी इज्जत क्यों दे रहा हूँ तेरे को? अरे देखो, मजा आया बेवकूफ, अकल के दुश्मन बेवकूफ। ये देखो, ये दोनों भाग ही गए। कहाँ भागे पड़े हो तुम लोग? रुक जा यार, यहीं से हम लोग ऊपर चले थे, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। हाँ, क्या आ गई? मम्मी आ रही है, पता नहीं ऊपर यार। मेरे को ओवरटेक करेगी, ले ले ना, ले करके दिखा मेरे को ओवरटेक। मेरे से जल्दी चढ़ ही नहीं सकती और ना उतर सकती है। लो मम्मी पापा भी आ गए, बोला टिफिन ले लो, झोला ले लो। जितने भी खाली दुकान देख पा रहे हैं, आज ये बंद है क्योंकि हमारी रन्नू पांडे आज हमारे साथ घूमने निकली है। वरना ये दुकानों में रन्नू पांडे ही बैठती है, और ये रन्नू पांडे की दुकान है जिसमें रन्नू अपने मेकअप के सामान बेचती है। है ना रन्नू? भागो भागो, चढ़ने में पूरा थकान हो जाता है, और जब उतरते हैं तो पहाड़ा ही मजा आता है। अक्षय डर रही है, वहाँ पे दोनों बंदर बैठे इसलिए डर के आ गई। पूरा नीचे चल रही थी, मैं बोला बंदर ऊपर देख, तो डर के वापस आ गई। अभी सेल्फी ले रहा है। अभी तक के बंदर नहीं दिखे, अभी तक के बंदर नहीं दिखे, अब बहुत सारे ही दिख रहे हैं। जो हमारी पार्किंग में थी, जहाँ से हम लोग प्रसाद लिए थे, अब चलते सीधा कार के पास। अब थोड़ा रौनक लग रहा है, पहले जब अपन आए थे तो थोड़ा भीड़ कम थी, अब ज्यादा ही भीड़ बढ़ गई है। गाइस, सीढ़ी चढ़ के और उतर के इतनी गर्मी लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। वाह, कितना क्यूट बंदर है, उसको डर लग रहा है हमसे। कितना क्यूट सा, अभी अभी पैदा हुआ ऐसा लग रहा है। गुलाबी रंग का बच्चा है, पैदा हुआ है अभी। चलो कार में बैठते हैं और फिर निकलते हैं एक और न्यू जगह। तो दोस्तों, मंदिर से थोड़े दूरी पीछे, मतलब ये मंदिर है, और इसके बाद अगर आप इस तरफ आएंगे तो आपको एक और मंदिर मिल जाएगी, राज्य संरक्षक स्मारक मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं। कुछ इस तरह से है मंदिर, और यहाँ पे हमारे पीछे जगन्नाथ भगवान जी का भी मंदिर बन रहा है नया, वहाँ पे भी हम आपको लेके जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, अगर आप एक बार यहाँ पे आएंगे तो आप आराम से यहाँ पे बहुत सारी मंदिर घूम सकते हैं। मेरे आँख में कुछ चला गया गाइस, पता नहीं। अब ठीक है थोड़ा। ये मंदिर जो है वो प्राचीन भी है, यहाँ के सारे मंदिर प्राचीन हैं। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये मंदिर, देखिए पहले, सबसे पहले आप, आग में पता नहीं क्या चला गया गाइस, ये देखिए ये वाला मंदिर कुछ ऐसा है, और इसको देख के ही पता चल रहा है कितना पुराना मंदिर है। चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पे जस्ट इसके सामने भोलेनाथ जी का भी मंदिर है, और ये पत्थर तराशी की गई है और पुराने पत्थरों से बनी गई है। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ जगन्नाथ जी के भी दर्शन हो गए, 200 पे जगन्नाथ जी के दर्शन, और 1K पे स्पेशल जगन्नाथ पुरी जाएंगे अपन।
जय जगन्नाथ भगवान। सेम वैसी मंदिर बनाई गई है, भगवान की मूर्ति जो है वैसी, पर द्वार बंद नहीं हुए अंदर से, हमारे लिए खुले हैं दर्शन करने के लिए भगवान की, भगवान के दर्शन हो गए हमारे। जय भगवान के दर्शन भी बड़े भाग्य से मिलता है। हाँ, हर किसी को थोड़ी ना मिलता है। जगन्नाथ मंदिर की कुछ जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बोर्ड पे लिखी गई है, ये देखिए, पॉज करके वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। ये तो थोड़ा सा मिटल गया है, पर फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप जूम करके भी पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग सीधा सामने मंदिर, जो कि है एक छोटी खल्लारी माता का मंदिर, जो कि नीचे है, पहाड़ पे नहीं है, ये मंदिर नीचे है। जो लोग पहाड़ नहीं चढ़ पाते और जिन्हें माता के दर्शन करने रहते हैं, वो लोग यहाँ पे आके छोटी खल्लारी माता के दर्शन कर सकते हैं। तो ये मंदिर आप जरूर आइए। पहले वहाँ पे प्राचीन मंदिर हुआ करता होगा, उसके बाद फिर ये मंदिर को और बड़ा कर दिया गया और ये मंदिर अभी नया बन रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा मंदिर अभी रेडी भी नहीं हुआ। पहाड़ के ऊपर बड़ी माता का मंदिर है और पहाड़ के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी माता का मंदिर है, खल्लारी माता मंदिर। ये पेड़ देखिए गाइस, इतना बड़ा पेड़ है कि जितना बड़ा मंदिर बनाया गया उतना बड़ा ये, उतना ऊंचा पेड़ है, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। ये मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया जा रहा है, इस मंदिर को ईंट से बनाया जा रहा है। पहले के समय पे जब ईंट का निर्माण नहीं हुआ था, तब मंदिरों को पत्थर से तराशी करके बनाया जाता था, और इस समय ईंट से बनाने में ज्यादा फायदा है और खर्च भी कम लगता है और मेहनत भी कम। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा मंदिर का इंटीरियर है और वहां से मंदिर का मेन एंट्रेंस है, ये साइड एंट्रेंस है, और सामने हमारी छोटी माता की मंदिर, छोटी माता है खल्लारी माता। चलिए तो फिर आपको हम पास से दर्शन करवाते हैं गाइस। जय माता दी, एक बार पास से दर्शन कर लीजिए। बेबी को जहाँ घंटी छोटी दिखती है वहाँ पे बेबी बजा देती है अपने हाइट की। बेबी बिल्कुल नहीं छोड़ती घंटी को बजाना। मैं भी पहले बचपन में ऐसी करता था, मैं पापा से उठवा के बजवाता था। हो गया हो गया हो गया, जय माता रानी। तो गाइस, आज हमने ये वाला पहाड़ चढ़ा, माता के दर्शन किए, और देख सकते हैं वहाँ पे सीढ़ी भी दिख रही है, यहीं पे हम लोग पहाड़ चढ़े और माता के दर्शन हो गए हमारे, और आपको भी हमने अपने साथ दर्शन करवाए। तो कैसा लगा आपको, जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर हमसे पहली बार मिल रहे हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, टाटा बाय बाय, सी यू एंड स्टे। Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off.